हाय दोस्तों, शीट मेटल बाय जाकिर में आप सभी का स्वागत है। मैं जाकिर खान। दोस्तों, आज हम आपको झोपड़ी कुल्हार की नीचे की ट्रे बना के दिखाएंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा आने वाला वीडियो आप तक आसानी से पहुँचे। देखिए दोस्तों, ये तीन सूत इचपिंग के लिए, यहाँ से पाँच सूत दोस्तों ये बेंडिंग है, फिर यहाँ से डायरेक्ट डेढ़ इंच है दोस्तों ये बॉर्डर, ये देखिए। देखिए दोस्तों, डेढ़ इंच के बाद फिर ये छः इंच तैयारी, ये डीप है दोस्तों इसकी छः इंच। देखिए दोस्तों, छः इंच के बाद फिर चौदह इंच के बाद फिर छः इंच दोस्तों, छः इंच ये डीप है दोस्तों, फिर यहाँ से भी डेढ़ इंच के बाद पाँच सूत दोस्तों, फिर तीन सूत, इस तरह से मार्किंग मार देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जिस तरह ये मार्किंग मारे है, सेम इधर आगे भी इसी तरह मार्किंग मार देना है। ये देखिए, इस तरह से मार्किंग मार देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसका मार्किंग खींच डालना है। ये देखिए, पूरे मार्किंग खींच डालना है दोस्तों इस तरह से। देखिए दोस्तों, ये अपना खड़ा साइज़ हो गया, अब यह आड़ा साइज चालू है, एक इंच को एक सूत कम लेना है हमें। ये देखिए इस तरह से, ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मार्किंग से चलना है पूरी। देखिए दोस्तों, ये मार्किंग से 16 इंच लेना है, 16 इंच। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसकी मार्किंग से डालना है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से एक इंच को एक सूत कम मार्किंग मार देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से मार्किंग मारना है, एक इंच को एक सूत कम 16 इंच, फिर एक इंच को एक सूत कम। अब दोस्तों, जो 25 की कोर है उसकी मार्किंग मारना है। देखिए दोस्तों, ये 25 के लिए एक सूत, फिर एक सूत, इस तरह से मार्किंग मार देना है। ये देखिए, इस तरह से मार्किंग मारना है, और सेम इधर भी वैसे मार्किंग मारना है दोस्तों। ये देखिए, ये एक सूत, ये सूत, इस तरह से मार्किंग मार देना है। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से इसकी मार्किंग मार देना है। ये देखिए, इस शुरू से मार्किंग है, तो यहाँ की आखिरी में है, इसे काट डालना है। और ये देखिए, ये भी बाहर की मार्किंग है दोस्तों, इसे काट के निकाल लेना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ 25 भी आती है, लेकिन वो 25 खुल जाती है, इसलिए हम डायरेक्ट इसे रिफिट मार रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, ये यहाँ से डेढ़ इंच है, ऐसे इस तरह से पूरा काट के निकालना है दोस्तों, मार देना है। ये नीचे का हिस्सा है, इसे काट के निकाल लेना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, इस तरह से काट के निकालना है। ये यहाँ से आता छः इंच है, इसे वी टाइप खरीका मारना है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से, देखिए दोस्तों, ये तीन सूत, ये पाँच सूत, यहाँ से फिर ये डेढ़ इंच है, तो ये यहाँ से दो सूत लेना है दोस्तों इस तरह से। ये देखिए, इसे मिला देना है यहाँ से, इस तरह से खचका मार देना है दोस्तों। ये देखिए, इस तरह से दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, इस तरह खचका मारना है, यूवी टैप। ये देखिए, ये देखिए दोस्तों, ये जिस तरह ये मारे हैं, सेम इधर भी वैसे मारना है। ये देखिए, देखिए दोस्तों, नीचे की टाँगी कट गई। अब इसकी जो साइड के जो पाखे आते हैं दोस्तों, वो उसकी कटिंग करना है। ये देखिए दोस्तों, ये तीन सूत है, ये तीन सूत, फिर बाद में ये पाँच सूत है दोस्तों। ये देखिए, पाँच सूत, बाद में डेढ़ इंच है दोस्तों, तो ये देखिए, ये डेढ़ इंच। देखिए दोस्तों, ये छः इंच है, ये छः इंच की मार्किंग मारना है, ये छः इंच, ये छः इंच, ये 125 के लिए दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये जिस तरह ये मार्किंग मारे, सेम इधर आगे भी इस तरह मार्किंग मार देना है।
देखिए दोस्तों इस तरह से इसकी मार्किंग खींच डालना है। अब ये इस तरह का साइज निकालना है। यहाँ से पहले ये आधा इंच लेना है दोस्तों, इस तरह से। फिर आधा इंच के बाद ये डेढ़ इंच लेना है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से। देखिए दोस्तों ये आधा इंच की बार डेढ़ इंच की मार्किंग मारे, सेम इधर भी डेढ़ इंच के नीचे मार्किंग मार देना है, खींच डालना है दोस्तों। ये देखिए इस तरह से दोस्तों, ये कान है, कान के लिए दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ से इस तरह से इसको मार्किंग मिला देना है, इस तरह से। देखिए दोस्तों यहाँ से 125 के लिए लेना है, इस तरह से। ये देखिए, देखिए दोस्तों यहाँ से 14 इंच लेना है तैयारी, जो तैयारी अंदर की मार्किंग है दोस्तों। यहाँ से इस तरह स्केल पकड़ लेना है, 14 इंच पे मार्किंग मार देना है, देखिए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों ये 14 इंच पे मारे, सेम इधर नीचे भी वैसे मार्किंग मार देना है, इस तरह से मार्किंग खींच डालना है। ये देखिए दोस्तों यहाँ से 125 के लिए, देखिए इस तरह से इसकी मार्किंग खींच डालना है, यहाँ तक खींचना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों यहाँ से 1 इंच, फिर ये आधा इंच, ये कान के लिए दोस्तों। इस तरह से ये यहाँ इधर मिला देना है, ये जो 1 इंच की मार्किंग है दोस्तों, ये तैयार इसी मिला देना है, इस तरह से। देखिए इस तरह से, देखिए दोस्तों इस तरह से पाकी की मार्किंग मारी जाती है। देखिए दोस्तों ये आखिरी की नीचे की मार्किंग है, इसे काट के निकाल लेना है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से, ये देखिए दोस्तों अब इसका खचका बनाना बताना है। ये देखिए पहले इस तरह से काट डालना है, ये देखिए ये 25 की कोर है, पहले इसे इस तरह से खचका मार देना है। ये कान है दोस्तों, ये देखिए इस तरह से। अभी ये देखिए दोस्तों इस तरह से मारा जाता है, ये देखिए नीचे का, ये देखिए, ये देखिए सेम इधर का वैसे मारना है। देखिए दोस्तों उधर के 25 को निकालना है, ये देखिए इस तरह से। ये देखिए दोस्तों इस तरह से 25 को निकाल लेना है, ये देखिए दोनों साइड की इस तरह स्केल लगा के। ये देखिए दोस्तों इस तरह से 25 को निकाल लेना दोनों साइड की। देखिए दोस्तों 300 चिपिंग करना है इस तरह से। ये देखिए दोस्तों थोड़ा खुला रखना है दोस्तों ये, ताकि जब ये पाकी कोर निकले इसमें फंस जाए। जिस तरह ये करे सेम इधर के वैसे करना है। देखिए दोस्तों ये 500 की करना है, जिस तरह से करें सेम इधर का वैसे करना है। अभी देखिए डेढ़ इंच की मार्किंग करना है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों ये जिस तरह करें सेम इधर वैसे करना है, ये देखिए जिसे इस तरह से करना है। ये देखिए दोस्तों इतने तैयार हो गई। अब इसकी जो पाखी है दोस्तों, ये पाखी ये बेंड करना है। ये देखिए दोस्तों ये पहले चिपिंग लेना है,
तीन सूद की। देखिए दोस्तों इस तरह से बिंगर डालना है, अभी बेंडिंग है दोस्तों, पांच सूद की। ये देखिए इस तरह से बेंडिंग कर डालना है, अभी पलटी है दोस्तों डेढ़ इंच की। ये देखिए दोस्तों इस तरह से बेंड कर डालना है। देखिए दोस्तों अभी पच्ची की जो कोर है ये निकालना है। देखिए देखिए दोस्तों ये कान है, ये कान इस तरह से मोड़ना है अभी। तो ये पच्ची कोर इसमें फंसा देना है, ये पच्ची कोर फंसा देना है, नीचे लॉक लगाना है इस तरह से। हाँ इस तरह पच्ची मारते रहना दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह से लॉक लगाना है। ये देखिए दोस्तों ये कान है, कान में इस तरह से मिला देना है दोस्तों, इस तरह से कान मिल जाते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों इस तरह से इसे मिला देना है, रिफिट अंदर के सेम इधर का वैसे मिलाना है चारों तरफ के। देखिए दोस्तों चार नंबर रिफिट है एक कड़ा भर। ये देखिए दोस्तों चार नंबर इस तरह से रखना है। इस तरह खींच के इस तरह से मार देना दोस्तों। देखिए दोस्तों ट्रे तैयार हो गई दोस्तों। अब यहाँ पंप फिट करने के लिए एक पट्टी मारना पड़ती है। देखिए दोस्तों इस तरह से पट्टी लेना है और इसे इस तरह से बेंड कर देना है। ये देखिए दोस्तों इस तरह से लाउ देना है और यहाँ रिफिट खींच डालना है। ये देखिए दोस्तों आठ नंबर खड़क रिपीट है इस तरह रख के। रिपीट इस पर आना चाहिए। ये पंप बांधने के लिए दोस्तों बस। देखिए दोस्तों ट्रे तैयार हो गई, इस तरह से ट्रे बनती है और झोपड़ी भी कहते हैं, झोपड़ी इसके बेंडिंग की वजह से कहते हैं दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन ज़रूर दबाएँ ताकि हमारा आने वाला वीडियो अब तक आसानी से पहुंचे। जब तक के लिए अलविदा दोस्तों।